बिहार सरकार द्वारा सभी जाति समुदाय के लिए, बच्चियों के लिए, माइनॉरिटी के लिए हॉस्टल्स चलाए जाते हैं। बहुत अच्छे आवासन की व्यवस्था उसमें होती है, पढ़ाई की सभी व्यवस्था की जाती है, बच्चों के रहने खाने के लिए व्यवस्था की जाती है और बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ राशि भी दी जाती है। तो सभी हॉस्टल्स है जो छात्रावास है, शुरुआत से हम बताएंगे, बीसी ओबीसी के लिए दो छात्रावास जिला अंतर्गत स्थित है, एक है अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास है जो 0 माइल आराम स्थित है, उसके अलावा जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास है जो धनुपुरा में है। अब अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास है जिसमें 74 रिक्तियाँ हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में 75 रिक्तियाँ हैं और इसमें ज़्यादातर प्रीफर किया जाता है इंटर के बच्चों को। अगर इंटर के बच्चे पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं तो ग्रेजुएशन के बच्चे, और उसके बाद नहीं मिलते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे। ये एडमिशन जो होता है वो पूरा का पूरा एडमिशन मेरिट के आधार पर होगा, जो आपके प्रीवियस ईयर, अगर आप 11th में एडमिशन ले रहे हो तो 10वीं के नंबर पे, अगर ग्रेजुएशन के लिए ले रहे हो फर्स्ट ईयर के लिए तो 12वीं के नंबर पे। इसमें बच्चा पात्र होने के लिए अपार्ट फ्रॉम जो जाति का बंधन है, जो समुदाय के लिए बना हुआ है, उसके अलावा आपका फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। वो फॉर्म भरने के लिए अभी 29 तारीख तक डेट है। फॉर्म का जिला की वेबसाइट पे भी और अलग से आपको अलग से उपलब्ध भी करा दिया जाएगा मीडिया के माध्यम से, आप गूगल भी कर सकते हैं उस फॉर्म को। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ज़िला में 5 हॉस्टल्स हैं, राजकीय अम्बेडकर महिला कल्याण छात्रावास महिला कॉलेज में जो स्थित है, राजकीय अम्बेडकर कल्याण छात्रावास संख्या 1, 2, 3, 4 जो कतिरा में ये अवस्थित है, एक ही कैंपस में 5 अलग अलग हॉस्टल्स चलते हैं। जो लड़कियों का हॉस्टल है राजकीय अम्बेडकर महिला कल्याण छात्रावास, इसमें अभी 8 रिक्तियाँ हैं। अम्बेडकर कल्याण छात्रावास संख्या 1, 2, 3, 4 में 63, 22, 32 और 124 रिक्तियाँ हैं, तो टोटल मिलके लड़कों के लिए 241 एससी छात्रों के लिए रिक्तियाँ अभी हॉस्टल में हैं, लड़कियों के लिए 8 रिक्तियाँ हैं। इस हॉस्टल में पढ़ाई के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था, वहाँ पे लाइब्रेरी का व्यवस्था है, किताबों की व्यवस्था करके रखी है, कंप्यूटर है कि कंप्यूटर की शिक्षा आप ले सको, आपको अगर इंटरनेट यूज़ करना है पढ़ाई के लिए वो सब की व्यवस्था है, ऑनलाइन क्लासेस की भी व्यवस्था वहाँ पे की जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट खाद्यान्न के लिए राशि मिलती है, फिर खाद्यान्न उपलब्ध करा दिए जाते हैं, पढ़ने के लिए बच्चों को पैसा दिया जाता है कि आप पढ़िएगा, और जो भी एडमिशन होंगे निःशुल्क आपका फॉर्म भरना है, आधार और बाकी जो आपके डिटेल है कि आप पिछले कक्षा में कितना नंबर लिए थे वो आपको देना है, बस सत्र ख़त्म होते ही हॉस्टल छोड़ना होगा। आप हॉस्टल में तभी तक रह सकते हो जब तक आपका सत्र है। इसके अलावा ज़िले में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से हॉस्टल चलाया जाता है जो मंझोवा में स्थित है, वहाँ पे कुल 92 का कैपेसिटी है, 92 में आज के डेट में वहाँ पे सिर्फ 35 छात्र पढ़ रहा है, हमारा 57 की रिक्ति है, 57 अभी भी वैकेंसीज है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जितनी भी हैं, मुसलमान सिर्फ नहीं, जितनी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं वो सभी के छात्र जो आरा ज़िला में एडमिशन लिए हुए हैं वो सभी इसके लिए पात्र हैं। वहाँ पे उस हॉस्टल में भी कंप्यूटर की पढ़ाई, जो लाइब्रेरी है, जो खाद्यान्न की सुविधा है, रहने के आवासन की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था वहाँ पे की गई है। माइनॉरिटी का जो हॉस्टल है वो अल हफीज़ कॉलेज है, उसके जस्ट बगल में है, उसकी बाउंड्री से सट के मंझोवा में ये जो हॉस्टल है वो स्थित है। इसके अलावा जो स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ज़िला में पूरा 16 कस्तूरबा बालिका विद्यालय संचालित है, हर प्रखंड में कम से कम एक कस्तूरबा बालिका विद्यालय संचालित है, सभी कस्तूरबा बालिकाओं में विद्यालयों में पढ़ने के लिए वहाँ पर व्यवस्था की जाती है। उसके साथ जो स्टेशनरी लगती है बच्चों का, टूथपेस्ट, ब्रश, कपड़ा धोने का साबुन, वो सब से लेके रहने के लिए, खाने के लिए, पढ़ाई के लिए जितनी आवश्यकता होती है हर चीज़ के लिए सरकार राशि उपलब्ध कराती है, सरकार वो चीज़ें देती है पढ़ने के लिए वहाँ पर। उसके साथ ही वहाँ पर कंप्यूटर की व्यवस्था कर दी गई है, सेल्फ डिफेंस कराटे या अन्य चीज़ों की व्यवस्था की गई है, जो स्किल ट्रेनिंग हो उसके लिए व्यवस्था कर दी गई है, सभी चीज़ों के लिए। जो प्राइवेट कितना बढ़िया स्कूल है उतना
उसमें जो व्यवस्था होती है उससे ज़्यादा व्यवस्था है कस्तूरबा बालिका विद्यालय में है। आपके प्रखंड में, हर प्रखंड में ये बालिका विद्यालय है, इसका अलग से डिटेल मीडिया के माध्यम से सभी को उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिला के वेबसाइट पे भी उपलब्ध करा दिया जाएगा आप लोग का, जिला पदाधिकारी महोदय के और उप विकास आयुक्त के फेसबुक के माध्यम से भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। जनप्रतिनिधियों को ये ऑलरेडी दिया गया है। उसमें पढ़ने के लिए कस्तूरबा बालिका विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए बहुत सरल क्राइटेरिया है, एससी एसटी या फिर जो अन्य जातियाँ हैं जो ये मानी जाती है, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, या फिर बीपीएल समुदाय, कोई भी जाति का बीपीएल समुदाय हो, वो सब बच्चियाँ वहाँ पे एडमिशन ले सकती है। सितंबर तक एडमिशन दिया जा सकता है, उसके बाद एडमिशन फुल हो जाएंगे, उसके बाद वो क्लोज किया जाएगा। तो कस्तूरबा बालिका विद्यालय के लिए आप अपने जो नज़दीकी कस्तूरबा होगी उसकी सूची दी जाएगी, उसका फ़ोन नंबर दिया जाएगा, वहाँ पे आप एडमिशन के लिए सीधा भी वहाँ पे जा सकते हो, आवेदन दे सकते हो अगर, या फिर जो शिक्षा विभाग के कार्यालय में भी दे सकते हो, या फिर हमारे कार्यालय में, उप विकास आयुक्त कार्यालय में दे सकते हो। इसके अलावा जिला स्थित नवोदय विद्यालय है बिहिया में, उसका भी एडमिशन के लिए छठी कक्षा में एडमिशन होता है, नवोदय विद्यालय